रामचरितमानस पर समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादास्पद टिप्पणी से सियासत गरमाई हुई है। हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। कुछ दिन पहले राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर में लिखा था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इस पोस्टर को अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल का भी नाम लिखा गया था। लेकिन गर्व से कहो हम शूद्र हैं के बाद अब समाजवादी पार्टी ने एक नया पोस्टर लगाया है। इस बार पोस्टर में गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, ये पोस्टर पूर्व सपा नेता अवधेश शुक्ला ने पार्टी कार्यालय के बाहर लगवाया है, जिसमें लिखा है, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस चौपाई में लिखे गलत शब्दों का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले सपा की पूर्व प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग नेता पूनम मौर्य ने भी एक सपा कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगवाया था, जिसमें उन्होंने अपने नाम के आगे शूद्र लिखकर स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया कि अधम ते अधम अति नारी, अर्थात जो नीच से भी नीच है स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयान पर कायम है और अब तो ऐसा लगता है कि मानो पोस्टर लगवाने का कोई कंपटीशन चल रहा हो। तभी तो ये पोस्टर लगवाने की प्रक्रिया खत्म ही नहीं हो रही है और रोज नए नए पोस्टर लॉन्च हो रहे हैं और इन पोस्टरों में कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी दलित तो कभी महिलाओं के हक की बात हो रही है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी साल 22 जनवरी को श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा था कि उसमें पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी हैं, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस वजह से इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मौर्य की इस टिप्पणी को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया था। संतों और बीजेपी के नेताओं ने मौर्य की कड़ी आलोचना की थी। उनके खिलाफ लखनऊ में केस भी दर्ज किया गया। वहीं मौर्य के समर्थन में आए एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को श्री रामचरितमानस के कथित आपत्तिजनक अंश की प्रतियां जलाई थी।